मौलाना साहब अब एहतजाज करने तो निकल रहे हैं, मौलाना साहब भी तो कहा जाता था मौलाना साहब को मना लिया जाएगा। मुझे याद है आपकी पार्टी के लोग कहते रहे मौलाना साहब मान जाएंगे, मौलाना साहब इस दफा नहीं माने। देखिए अभी तो बड़ा टाइम है, मौलाना साहब से जरूर बात की जाएगी और हम ईद के बाद शुरू हो रहा है, ईद आने में कितना टाइम रहेगा मुझे पता है, लेकिन हम इस उम्मीद पे हैं कि मौलाना साहब समझते हैं कि जो मुल्क की अभी हसास सूरत हाल है, पोलिटिकल स्टेबिलिटी की जरूरत है, आपको माशी स्टेबिलिटी की जरूरत है, तो ये उनसे बातचीत चलेगी। एक सवाल है कि ये आप लोग इसको इतना सीरियस नहीं ले रहे, मौलाना साहब इस दफा बहुत सीरियस हो गए, वो नहीं मान रहे, क्योंकि ये कहा जा रहा है काफी देर से, इलेक्शन का देखिए रिजल्ट आए हुए कितना टाइम हो गया, कहा जा रहा है कि मौलाना साहब मान जाएंगे, तो आप लोग मनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो नहीं मान रहे। जो कंसर्न्स हैं हम उनको बिल्कुल दूर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो हल अदालतों से या इलेक्शन कमीशन से निकलता है, हम उनसे बिल्कुल इंगेज करेंगे और इस उम्मीद पे देखें अगर तो पुरअमन एहतजाज हो उसका कोई मसला नहीं है, इजाज़त ली जाए डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट से, इजाज़त के बाद हो देखें, लेकिन अगर अवामी जिंदगी में खलल डाला गया, रुकावट की गई, तो डेफिनेटली फिर हुकूमत जो है अपनी कार्रवाई, ये मैं जानना चाह रही थी हुकूमत फिर क्या करेगी, अपने कार्रवाई का पहले से इंदिया दे दिया फिर क्या करेगी। हाँ जी, कौन सी हुकूमत, ये जालसाजी वाली हुकूमत, देखिए जालसाजी केपी का काम, देखिए बात ये जो केपीके की हुकूमत है, जो केपीके की हुकूमत है वो जालसाजी वाली नहीं है, वो ठीक हुकूमत है, जहाँ ये हार गए वो जालसाजी है। देखिए बात सुने, आपके लिए हमने कमीशन बनाया आपने वो मुस्तरद कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने 7 मेंबर बेंच बनाया वो मुस्तरद कर दिया, आपका एजेंडा मुल्क दुश्मन एजेंडा है, आप चाहते हैं मुल्क के अंदर अदम इस्तेकाम रहे, पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहे, माशी इंस्टेबिलिटी रहे, तो ये एजेंडा आपका पूरा नहीं होने लगा, और अगर ये यही रूट लेंगे तो बिल्कुल इनसे कार्रवाई को भी मतलब पुलिस का भी किरदार होगा अगर ये लोग सड़कों पर आते हैं, क्या आगे फिर हम माहौल खराब भी देखें। बड़ी सिंपल सी बात है, अगर ये इजाजत के बगैर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की जो है जो प्रॉपर एक प्रोसीजर है जो कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी, कोई पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं होगी, अगर ये आम आदमी की जिंदगी में खलल डालेंगे तो कानून अपनी जो है वो हुकूमत को हुकूमत नहीं मान रहे हैं, लेकिन फिर पुलिस को तो पुलिस मानेंगे, कानून नाफिज करने वाले इदारों से भी आप गुत्थम गुत्था तो नहीं होंगे सड़कों पर। डॉक्टर फिजा पहली बात तो ये है कितने संजीदा होकर बात करते हैं, हम हुकूमत हैं, ओ भाई तुसी ते लुटो ते फुटो प्रोग्राम हो, जाली हुकूमत हो, तुसी ते 47 फार्म दी पैदावार हो, कभी अंदाजा करें, रमजान मुबारक में भी आप लोग चेंज कराते रहे हैं, ये खुद आपके सदर का ये बयान है और आप इनके कंधों पे चढ़ के आपने हुकूमत की, आप लोग एक्सटेंशन देने के लिए आगे आगे बढ़ रहे थे, खुद आपने नैब के काले कानून के तहत आपने पूरी ऑपोजिशन का रगड़ा निकाला, हर लिहाज से आप एक कॉम्प्रोमाइज हुकूमत थे, और आज आपको जमहूरियत जो है जमहूरियत की बातें करते हैं। राणा साहब सच्चा बंदा शोर नहीं पांदा, राणा साहब सच्चा बंदा शोर नहीं पांदा, वो दलील से बात करता है। अच्छा डॉक्टर फिजा, मेरा राणा साहब मेरे भाई हैं, इन्हें मैं कहता हूँ एक काम करते हैं, रमजान मुबारक का बाबरकत महीना है ना, राणा साहब आए मेरे साथ दुआ मांगे के या अल्लाह जिस जिसने जो हारा हुआ है और उसने झूठा आलम उठाया है, अल्लाह ताला उनको तबाह बर्बाद कर दे, बोले आमीन, मैं भी बोलता हूँ आमीन। नहीं देखिए इसके अंदर कोई शक नहीं है, अगर किसी ने ज्यादती की है, नहीं नहीं क्या मैं आपको आपकी तरह बददुआएं देने वाला नहीं हूँ, बिल्कुल अगर किसी ने गलत काम किया है तो उसके साथ जो है वो कानूनी कार्रवाई, कानून के पाकिस्तान के आईन और कानून के मुताबिक काम होना चाहिए, लेकिन मेरी तरबियत आपके वाली नहीं है कि कोई गर्क हो जाए, मैं कस्में खाऊं, कुरान को ले लिया जाए, यहाँ उठा लिया जाए, ये बातें ये जेब नहीं देती नेशनल टेलीविजन के ऊपर, आप इस मुल्क में कायदा कानून आईन है, आप उन प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल करें और नतायज हासिल करें, ये बातें देखें, आप लोग तो वो लोग हैं जो कहते थे जान अल्लाह को देनी और झूठ बोलते थे, तो आप पे किसका एतबार, कौन एतबार करे, आप तो हीरोइन के जाली केस डाल के राणा सनाउल्लाह पे अल्लाह को जान देने के हवाले देते थे और फिर आप ये बातें कर रहे हैं, वो कह रहे हैं आमिन के अलावा कुछ नहीं सुना, मैं कह रहा हूं ये तो वो लोग हैं जो जान अल्लाह को देने के जो है वो दर्शन देते थे, लेक्चर देते थे और फिर झूठे साबित हुए, तो इन पे कौन यकीन करेगा। मुझे आप मैंने कहा है अल्लाह ताला उनको तबाह बर्बाद कर दे, गर्क कर दे, जिन्होंने हारने के बावजूद झूठा हलफ उठाया है, अल्लाह नबी के नामों के नीचे हलफ उठाया है, आप बोले आमीन, बात खत्म होगी, कहें आमीन, मैं कहता हूं आमीन,
अब आप कहेंगे उनका आमिन सही नहीं था, अब हम क्या आमिन को झूठा कहना शुरू कर देंगे? नहीं, आमिन कह दिया ना, बताएं ना, अब इस पे भी आप लड़ाई शुरू कर देंगे कि ये सच्चा आमिन था या दिल से था या आपका दिल से था, उनका दिल से नहीं था, ऐसे ना करें ना डॉक्टर फिजा ना। चले बोल दिया, अब अभी तक उनको चैलेंज कर रहे थे कि आमिन बोल दे, उन्होंने बोल दिया, अब आगे आगे अगली बात बताए। आमिन तो उन्होंने बोला जो बेचारा खुद असेंबली में नहीं है, कितने फ्रॉड है, इनसे बड़ा कोई फ्रॉड है? पहले यहाँ टीवी पे चैलेंज दिया, अब किसे कहें? तो ये इनका फ्रॉड यही चलते रहना है, इन्होंने किसी बात पे ठहरना नहीं है, इन्होंने मुझे था कि आप चुप कर जाएंगे, घर जाना है, घर वालों को घरों कढ़ देना है।